बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए फिरोनेस इन्वर्टर और या फिर एरोक्स सीरीज़ जो आती है इन्वर्क्स की 3.2 की, उसकी प्रोग्रामिंग बताने जा रहा हूँ। सिंपल प्रोग्रामिंग है और आप अपनी बैटरीज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में गाइड करता जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जिन्हें समझना ज़रूरी होता है, जिससे हम अपनी बैटरी को बचा सकते हैं या अपने सिस्टम को समझ सकते हैं। तो अब हम इसके लिए जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में। ये बेसिकली 3.5 किलोवाट है, इन्वर्क्स में 3.2 किलोवाट में इन्वर्टर होता है। मशीनरी दोनों की तकरीबन सेम ही है। अच्छा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन यूटिलिटी का है। इन्वर्क्स में भी यही सेम सीक्वेंस होता है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है। लेकिन आप फीचर्स देख लें कि आपने किस पे क्या चीज़ सेट करनी है। तो ऑप्शन नंबर वन पे आपने हमेशा रखना है सोलर यूटिलिटी बैटरी। अगर VM3 इन्वर्टर्स हैं आपके तो इसमें ये आइडियल सेटिंग होती है SUB, ताकि पहली प्रायोरिटी सोलर रहेगी, सेकंड यूटिलिटी मतलब आपका, थर्ड बैटरी। इसमें ये होगा कि आपको शाम के टाइम पे सूरज के जाने के बाद वापडा ऑटो इन हो जाएगी, आपको ब्रेकर्स ऑन ऑफ नहीं करने पड़ेंगे। नंबर टू पे 60 एम्पेयर्स हैं वापडा प्लस सोलर के मैक्सिमम एम्पेयर चार्जिंग के लिए, जो बैटरीज को आपको पावर देंगे। नंबर थ्री पे अप्लाइंस मोड है। अप्लाइंस मोड में ये होता है कि 90 to 280 के बीच में इन्वर्टर काम कर रहा होता है वापडा इनपुट के हिसाब से, तो इसको अप्लाइंस मोड पर हम रहने देते हैं। AGN बैटरी टाइप है, हमने इसमें फ्लडेड बैटरीज लगाई हैं और वो हमने लगाई हैं इसके अंदर डेवो की डीप साइकिल, तो हम उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे आगे जाके वोल्टेज की। तो फ्लडेड बैटरी के लिए हम इसकी जो टाइप है वो फ्लडेड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले इसमें ड्राई बैटरी की टाइप सेलेक्ट थी। 6 को भी हम छोड़ देंगे, 7 को भी छोड़ देंगे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, 9, 7, 8 इसमें नहीं आ रहा अभी, 9 की ये फ्रीक्वेंसी है ये भी सेम रहेगी, 10 नंबर वोल्टेज रेंज है ये भी सही रहेगी, और यूटिलिटी से मतलब वापडा से चार्जिंग 30 एम्पेयर ही रहेगी। इससे कम एम्पेयर पे आपकी बड़ी या हैवी बैटरी चार्ज नहीं होती, तो इसको 30 एम्पेयर ही रहने दें। और अगर आपके पास लो वोल्टेज का इशू है तो आप 20 एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। ये मिनिमम वोल्टेज है जिसके बाद वापडा ऑटो इन हो जाएगी, ये 23 सेलेक्ट है, लेकिन हम इसको बढ़ा के कर रहे हैं कि हमारी बैटरीज बैकअप में रहें, और इसको हम 24 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डीप साइकिल बैटरीज है। नॉर्मल बैटरी के लिए आप इसको, आप उसके लिए भी 24 सेट कर सकते हैं, डीप साइकिल के लिए भी 24 सेट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं 24 पे इसको सेट कर रहा हूँ। ये सेव हो गया है। अब हम जा रहे हैं 13 नंबर ऑप्शन में। ये मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज है, क्योंकि डीप साइकिल बैटरी है हमारी, तो डीप साइकिल बैटरी को थोड़े से हायर करंट चाहिए होता है। जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं, जो AGS की 27 प्लेट में ले लें या HP की 240 ले लें 27 प्लेट में या 33 प्लेट में, उसको आप 27 पे सेट रहने देंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं या डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप 28 सेलेक्ट करेंगे, ताकि वो आपकी बैटरीज प्रॉपर चार्ज हो सके, क्योंकि हायर कैपेसिटी बैटरी को हायर करंट की ज़रूरत होती है। और अगर बाज़ औक़ात ये स्लो रखा हुआ होगा तो वो चार्ज नहीं होगी। 16 नंबर ऑप्शन ये है कि हम किस तरह से चाहते हैं कि हमारी बैटरीज चार्ज हो, वापडा और सोलर दोनों मिलके चार्ज करें या सिर्फ सोलर चार्ज करें या सिर्फ वापडा चार्ज करें, तो ये हमारे हाथ में है। हम इस सेटिंग को रखेंगे CSO पे, कि हमारी प्रायोरिटी हमेशा जो है वो रहेगी सोलर रहेगी, और सोलर जब नहीं होगा हमारे पास तो वापडा इसमें इन होगी। तो ये है बेसिक सेटिंग्स, बाकी सेटिंग्स को हम नहीं छेड़ेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको रहने देंगे। तो इन सेटिंग्स को जो है वो आप अपने इन्वर्टर में चेक कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आप मुझे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इस वक्त एक हमारा सिस्टम है जो रनिंग है, मैं आपको वैसे भी चेक करवा दूँ कि इस वक्त जो मेन विंडोज़ हैं वो हमें क्या शो ऑफ कर रही हैं। तो क्या इस पर इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं वापडा के, ये वापडा की फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद PV नहीं है इस वक्त, इसलिए 0 आ रहा है। PV के एम्पेयर भी शो नहीं कर रहा, वाट्स भी शो नहीं कर रहा। ये तीनों ऑप्शन आएंगे जब सुबह को सोलर इसमें इन होगा। इस वक्त रात में हम ये सिस्टम लगा रहे हैं तो ये रात की है। अच्छा, ये 30 एम्पेयर हमने वापडा चार्जिंग सेट की, तो ये तो बता रहा है कि हम बैटरी 30 एम्पेयर पे चार्ज कर रहे हैं, और ये वापडा से इस वक्त ले रहा है 807 वाट, जिससे बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि बिल्कुल नई बैटरीज हैं इसलिए उसको बूस्ट चार्जिंग इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वोल्टेज जो मैंने आपके सामने सेट किए थे 28, और ये अभी 26.9 वोल्ट पे बैटरी चार्ज कर रहा है, तो ये 28 पे आके स्टॉप हो जाएगा। ये आउटपुट फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी, ये इस वक्त पूरे सिस्टम पे जो आउटपुट लोड है वो तकरीबन 32% है 3.5 किलोवाट का।
तो ये वीए में तकरीबन 1 kW बन रहा है ये लोड, 1000 वाट का लोड इस वक्त रनिंग है। और इस वक्त इसमें 6 पंखे हैं, तकरीबन कोई 25 से 30 डाउन लाइट्स चल रही हैं और 3 LCDs चल रही हैं। तो ये घर का इनका नॉर्मल लोड है हमारे क्लाइंट का जो इस वक्त रनिंग है। और ये इस वक्त हम इनका सिस्टम चेक कर चुके हैं, बैटरी डिस्चार्ज नहीं है क्योंकि वापडा से सारा ये पावर आ रहा है। ठीक, तो ये टोटल ओवरऑल इस इन्वर्टर की है। और एरोक्स के अंदर जो इन्वरेक्स का है या इन्फिनी ऑन जो फ्रोनस वालों का है, बेसिकली मशीनरी एक ही है, सिर्फ एक दो फीचर्स का डिफरेंस होता है, लेकिन ये बहुत बेस्ट इन्वर्टर्स हैं। आप इनको पैरेलल कर सकते हैं, 2 इन्वर्टर 3 इन्वर्टर 5 अप टू 9 इन्वर्टर्स आप पैरेलल करके अपना सिस्टम बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी फैमिली के लिए एक आइडियल सेटअप है। नॉर्मली ये 2,50,000 से 2,60,000-70,000 ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका खर्चा होता है। बेसिकली हमने इसमें 6 पैनल्स लगाए हैं जो कि 2000 वाट बनते हैं, कट पैनल यूज़ किया हमने इसमें, और इस हवाले से ये एक आइडियल सेटअप है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।